अस्सलाम वालेकुम क्लास बच्चों, हमने चैप्टर नंबर 6 जो है वो कंप्लीट कर लिया था। नेक्स्ट हमने स्टार्ट किया था चैप्टर नंबर 9। 7 और 8 थोड़ा डिफिकल्ट है, वो हम बाद में करेंगे। चैप्टर नंबर 9 हमने पहले स्टार्ट किया है। 9.1 मैंने आपको बता दिया था, वो जस्ट डिग्री रेडियन में कन्वर्ट करना है, और बाकी शॉर्ट क्वेश्चंस है उनमें एक ही फॉर्मूला यूज हो रहा है, एल इक्वल टू आर थीटा। टोटल 3 पैरामीटर्स हैं, 2 चीजें गिवन होगी, एक आपने फाइंड करनी है जो आप इजीली कर सकते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज है हमारे पास चैप्टर नंबर 9 की 9.2। 9.2 का फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, आइडेंटिफाई द एंगल्स को टर्मिनल विद 30 और 60 और 90। कोर टर्मिनल का मतलब है कि हमारे पास ये जो पार्ट्स गिवन है 1 से 6 तक, इसमें ये जितने भी एंगल गिवन है डिग्री में, इनको हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है, जिसमें से एक पार्ट 90 का मल्टीपल होना चाहिए और दूसरा इन तीनों में से कोई एक नंबर होना चाहिए। ठीक है, अब फर्स्ट पार्ट है जैसे हमारे पास 390। अब 390 को मैंने 2 ऐसे पार्ट्स में डिवाइड करना है कि एक 90 का मल्टीपल बने, ठीक है, और दूसरा जो है 30, 60 और 90 में से कोई एक नंबर जो है वो एंगल जो है वो होना चाहिए। अब 390 को जब मैंने देखा, यहाँ से मुझे पता चला कि 360 में अगर मैं 30 ऐड करूँ तो 390 बन जाता है, ठीक है, जिसमें से मेरी दोनों शर्तें पूरी हो गई। ये 90 का मल्टीपल है और 30 जो है वो इन तीनों में से एक एंगल है, यानी कि 30 को ऐड करना पड़ा हमें। तो हमारे पास 390 का को टर्मिनल क्या है, 30 है, ठीक है। दूसरा यहाँ पे जो भी 30, 60, 90 तीनों में से जो भी नंबर बनना है वो इसका क्या होगा, को टर्मिनल होगा। इसी तरह इसका फोर्थ पार्ट आप देख लो, -690 है। अब ये माइनस में है इसलिए हम इससे बड़ा नंबर लेंगे, ताकि माइनस करने पे वो दोबारा हमारे पास ये वाली सिचुएशन बन जाए। तो हमने इसको किन दो में तोड़ा है, 720 + 30, ये दोबारा -690 बन रहा है ना। तो ये जो 720 है ये 90 का मल्टीपल है, और ये जो 30 है ये किसका को टर्मिनल हो गया, 30 का, ठीक है। इन शॉर्ट क्या करना है, आपने जो भी पार्ट गिवन होंगे आपने इसके दो दो में इसको तोड़ लेना, ठीक है। जो भी एंगल गिवन होगा उसको दो पार्ट्स में स्प्लिट करना है। एक जो फर्स्ट वन वाला पार्ट है वो 90 का मल्टीपल होना चाहिए, और जो दूसरा है वो 30, 60 या 90 तीनों में से कोई एक एंगल होगा, ठीक है। नेक्स्ट इसका हम एक और पार्ट डिस्कस कर लेते हैं, लास्ट वन, जिससे आपको थोड़ा बहुत जो रह गया होगा वो क्लियर हो जाएगा। 780। अब आप देखो 780 है, मैंने इसको दो पार्ट्स में डिवाइड करना है, ठीक है। अब अगर मैं ये सोचूं कि मैं इसको 760 + 30 कर लूं, क्योंकि 30, 60, 90 तीनों में से कोई एक एंगल होना चाहिए ना, अगर मैं इसको 760 + 30 में डिवाइड करती हूँ तो वो हो जाएगा हमारे पास 60, 70, 80, ठीक है। मतलब हम 750 और 30 में मैं इसको तोड़ सकती हूँ कि 750, लेकिन जो 750 है वो 90 का मल्टीपल नहीं है, इसलिए मैंने इसको 720 और 60 में तोड़ा है। ये जो 720 है ये 90 का मल्टीपल बन जाएगा, और ये साथ में एंगल जो है वो 60 आ गया, ठीक है। यहाँ पे 30 नहीं आ सकता था, क्योंकि अगर मैं 30 लिखती तो यहाँ पे जो बचना था वो 90 का मल्टीपल नहीं था, इसलिए फिर मैंने यहाँ 60 लिखा और देखा जो बचता है वो 90 का मल्टीपल है, ठीक है। आप इन शॉर्ट आप क्या करो कि जो भी एंगल आपको गिवन है इसमें से 30 माइनस करो, ठीक है, और देखो जो बचता है वो 90 का मल्टीपल अगर है तो वो वाला, और प्लस 30 लिख लो। फिर अगर नहीं बनता तो फिर आप इसमें से क्या करो, 60 माइनस कर लो, जो बचता है देखो वो 90 का मल्टीपल है, अगर है तो लिख लो, नहीं है तो फिर 90 करके देख लो, ठीक है। ये तीनों आपने इस तरह करके चेक कर लेने। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था, जिसमें जस्ट हमने उसके को टर्मिनल बताने थे के उसमें हमने एंगल को दो हिस्सों में तोड़ना है, जिसमें से एक 90 का मल्टीपल होगा और एक 30, 60 या 90 तीनों में से कोई एक एंगल, वो जो आएगा उसका को टर्मिनल होगा। सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, सेम उसी पैटर्न पे होना है। वहां पे तो हमारे पास तीन ऑप्शन थी ना, कि को टर्मिनल है तीन एंगल्स के, 30 वो डिग्री में थे एंगल, 30, 60 और 90। यहाँ पे जो पाई है, पाई में जब भी कोई एंगल होता है वो एंगल होता है हमारे पास रेडियन में, ठीक है। ये एंगल अब हमारे पास गिवन है रेडियन में। अब ये है पाई बाय 4, यानी कि को टर्मिनल होना चाहिए पाई बाय 4 के। अब इसको हमने चेक कैसे करना है कि ये पाई बाय 4 के को टर्मिनल है या नहीं है, वो देख लें आप।
फर्स्ट पार्ट है 7π/4, 7 को मैं 8-1 लिख सकती हूँ, मैंने 7 को 8-1 लिखा। अब इसको हमने सेपरेट कर लेना, 8 4 पे भी डिवाइड होगा, 1 भी 4 पे डिवाइड होगा, ठीक है। हमने सेपरेटली इसको डिवाइड कर लिया। अब इन टू के बाहर है पाई, यानी कि जो पाई है वो दोनों वैल्यूज के साथ हो जाएगा मल्टीप्लाई। तो पाई को हमने दोनों वैल्यूज के साथ मल्टीप्लाई करके जब सॉल्व किया तो हमारे पास आंसर क्या आया है, -π/4 यहाँ पे, ठीक है। जबकि को टर्मिनल किसके है, π/4 के। तो अगर आंसर π/4 आएगा, फिर ही जो क्वेश्चन होगा, जो भी पार्ट गिवन होगा, वो π/4 के को टर्मिनल होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो यहाँ पे -π/4 आया, इसका मतलब है कि ये इसके को टर्मिनल नहीं है। जब हम इसका 9π/4 वाला नेक्स्ट पार्ट देखेंगे तो उसमें आप देखें 9 को हम तोड़ सकते हैं 8+1 में, ठीक है। जब हम इसको सेपरेट करेंगे, सॉल्व करेंगे, आंसर के आगे π/4, यानी कि 9π/4 जो है वो π/4 के को टर्मिनल है, ठीक है। लास्ट वन पार्ट देखें, 11π/4, इसको हमने 8+3 में स्प्लिट किया, ठीक है। इसको आप 10+1 में भी स्प्लिट कर सकते हो और 8+3 में भी स्प्लिट कर सकते हैं, ठीक है। हमने ये सब जब स्प्लिट किया उसके बाद हमने इसको सॉल्व किया वैसे ही सेम उसी तरह पाई के साथ, अब आंसर आ गया 3π/4। अगर तो इसको सॉल्व करने से आंसर π/4 बनेगा, फिर ये π/4 का को टर्मिनल होगा, अदरवाइज क्या है, नॉट को टर्मिनल विद π/4, ठीक है। ये जो है ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 हो गया, ठीक है। तो नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। ये है क्वेश्चन नंबर 3। अब हमने क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बताना है, इन विच क्वाड्रेंट थीटा लाई। इसमें जो पार्ट्स गिवन है, सबसे पहले आपको क्वाड्रेंट्स का पता होना चाहिए। 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं, ठीक है। हमारे पास जो ट्रिग्नोमेट्री है, जिन बच्चों ने मैथमेटिक्स पढ़ा होगा उन्हें पता होगा 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। जो फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है ये वाला, इसमें सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है वो पॉजिटिव होते हैं। टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, साइन, कॉस, टेन और इनके इनवर्सेस, कोसेकेंट, सेकेंट और कॉट। ये 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होते हैं, इस क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव होते हैं। जो नेक्स्ट है सेकंड क्वाड्रेंट, इसमें सिर्फ जो साइन है और साइन का इनवर्स कोसेकेंट वो पॉजिटिव होता है, बाकी सारे नेगेटिव होते हैं। जो थर्ड क्वाड्रेंट है, थर्ड में ये जो टैन है, टैन और टैन का इनवर्स कॉट, ये दोनों पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे नेगेटिव होते हैं। इसी तरह जो फोर्थ क्वाड्रेंट है, इसमें कॉस और कॉस का इनवर्स सीकेंट, ये दोनों पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे नेगेटिव होते हैं। अब इसमें से आप कोई भी पार्ट देख लें, फर्स्ट पार्ट देखें, जहां पे लेस देन का साइन आएगा इसका मतलब है वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नेगेटिव है। अब जैसे साइन थीटा लेस देन 0 है, इसका मतलब है साइन थीटा नेगेटिव है। कॉस थीटा ग्रेटर देन 0 का मतलब है कि कॉस पॉजिटिव है। अब ऐसा कौन सा क्वाड्रेंट है जिसमें कॉस पॉजिटिव है और साइन नेगेटिव। पहले आप पॉजिटिव देखो, कॉस पॉजिटिव किसमें, फोर्थ में, और इसमें साइन नेगेटिव है। तो फर्स्ट जो है वहां पे थीटा कहां लाई करेगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा। इसी तरह ये 6-1 पार्ट, इसका जो है आप चेक कर लें, tan थीटा लेस देन 0 यानी कि tan थीटा नेगेटिव और secant थीटा जो है वो ग्रेटर देन 0 है, यानी कि secant पॉजिटिव है। secant जो है, secant का secant इनवर्स किसका है, cos का, ठीक है। अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में cos पॉजिटिव है, इसका मतलब है cos का इनवर्स भी यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव है। यानी कि फोर्थ क्वाड्रेंट ऐसा है कि जिसमें secant पॉजिटिव है और tan क्या है, नेगेटिव है। तो ये क्या आ जाएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट। कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाए जिसमें दोनों ही पॉजिटिव हों, जैसे ये लास्ट वन पार्ट, इसमें कॉट भी ग्रेटर देन 0 है और कॉस भी ग्रेटर देन, यानी दोनों पॉजिटिव हैं, तो वो फर्स्ट क्वाड्रेंट है ऐसा कि जिसमें सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर पॉजिटिव, ठीक है। तो इस तरह जो है ये थर्ड क्वेश्चन सिंपल सा एमसीक्यूज के लिए है कि आपने कैसे डिसाइड करना है कि ये जो एंगल है किस क्वाड्रेंट में लाई करते हैं। लेस देन का मतलब है वो एंगल नेगेटिव है और ग्रेटर का मतलब है पॉजिटिव। पॉजिटिव वाला पहले आपने देख लेना, जैसे साइन है, साइन किस में पॉजिटिव है, सेकंड में, और सेकंड में कॉस क्या होता है, नेगेटिव। तो सेकंड वन वाला किस में लाई कर जाएगा, ये सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर जाएगा, ठीक है। ये जस्ट एमसीक्यूज के लिए आपने देख लेना। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 4 में हमने आइडेंटिटीज प्रूव करनी है, मतलब दो साइड्स गिवन होंगी, ठीक है, और हमने इनको इक्वल प्रूव करना है। अब यहाँ पे जो cos 30 है, cos 60 है,
टोटल हमारे पास चार एंगल होते हैं, ठीक है, 30 है, 45 है, 60 है और 90. साइन और कॉस की वैल्यू इन चारों एंगल्स में हमें पता होनी चाहिए. हम इसको कैलकुलेटर से भी फाइंड कर सकते हैं, ठीक है, और वैसे भी हमें इसकी वैल्यू जो है, एक टेबल है जो FSC की बुक में है आपका, या वहां से आप इसको याद कर लें, या आप इसको कैलकुलेटर से भी फाइंड कर सकते हो. क्वेश्चन नंबर 4 के 4 पार्ट हैं, ठीक है. आपने क्या करना है, एक साइड लेके चलनी है जो हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं और दूसरी के इक्वल प्रूव कर देना है. हम इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन में राइट हैंड साइड सॉल्व करने वाली है, तो हम राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे और देखेंगे ये लेफ्ट के इक्वल आती है या नहीं आती. हमने राइट हैंड साइड को सॉल्व करना है. अब कॉस 30 है, कॉस 30, कॉस स्क्वायर 30 है ना, तो कॉस 30 जो भी आएगा उसका हम क्या ले लेंगे, इधर यहाँ पे स्केयर मिसिंग है, यहाँ स्केयर भी आएगा. कॉस 30 की वैल्यू होती है अंडर रूट 3/2, ठीक है, तो अंडर रूट 3/2 का स्केयर, बाकी वैल्यूज ऐसे ही. अब यहाँ पे जब हम स्केयर ओपन करेंगे ये 3 हो गया, 2 का स्केयर 4 हो गया. जब इसको सॉल्व करेंगे ये 3/2 - 1, LCM लिया तो आंसर आ गया 1/2. अब हमने इस चीज को प्रूव करना था ये कॉस 60 के इक्वल है. जब आप कॉस 60 को कैलकुलेटर पर फाइंड करोगे वो 0.5 आएगा, यानी कि 1/2. तो 1/2 किसके इक्वल है, कॉस 60 के. तो ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल प्रूव हो जाएगा, ठीक है. इन चारों पार्ट्स में आपने जो साइड इजीली सॉल्व कर सकते हो वो लेके चल देंगे और दूसरी साइड के इक्वल इसको प्रूव कर देना है. सेम इसी पैटर्न पे इसका सेकंड पार्ट है, ठीक है. आपने राइट हैंड साइड लेके चली, साइन 45 की वैल्यू पुट की, इसको सॉल्व किया, आंसर 0 आ गया, ठीक है. हमने प्रूव किसके इक्वल करना था, कॉस 90 के. जब आप कॉस 90 चेक करोगे तो वो भी क्या होता है, 0, यानी कि 0 को हम कॉस 90 के इक्वल लिख सकते हैं. तो ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगी. इसी तरह ये थर्ड पार्ट है, ये भी आप लोगों ने सॉल्व कर लेना है. साइन 45 की वैल्यू कहती है 1/√2, और कॉस 45 भी 1/√2. जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आंसर 3/√2 आ जाएगा, जो कि हमारी राइट हैंड साइड है. ये हमारा प्रूव हो जाएगा. इसका फोर्थ पार्ट देखें आप, इसमें ये जो यूज हो रहा है सिंबल, ये है रेशियो का, ये दो डॉट. अब राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड हमें गिवन है. जो राइट है वो हम सॉल्व नहीं कर सकते, वो है 1:2:3:4. लेफ्ट वाली हम सॉल्व कर सकते हैं, तो हम लेफ्ट लेके चलेंगे. जब वो रेशियो है, वो रेशियो का साइन एस चीज ऐसी रहे. साइन 30 क्या होता है, 1/2, उसका हमने स्केयर ले लिया. साइन 45 1/√2, उसका स्केयर ले लिया. साइन 60 √3/2, उसका स्केयर ले लिया. और ये साइन 91 होता है, 1 का स्केयर. जब हमने इसको सॉल्व किया तो आंसर हमारे पास कुछ इस तरह है, 1/4:1/2:3/4:1, ठीक है. अब हम क्या करते हैं, अक्सर हमारे पास इस तरह रेशियो में वैल्यू हो तो हम डिनोमिनेटर में सबसे बड़ी वैल्यू देखते हैं कौन सी है, उससे पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देते हैं. तो यहाँ सबसे बड़ा 4 था, हमने पूरी को 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है. 4 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4 से कट गया 1 बचा, ये 4 से कटा 2, और 4 3 = 12, और ये एज इट इज 4 इस तरह ही रहेगा, ठीक है, क्योंकि कुछ भी डिवाइड या मल्टीप्लाई नहीं हो रहा. तो अब देखेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड को हमने सॉल्व किया तो वो किसके इक्वल आ गई, राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई, ठीक है. तो ये जो 9.2 है, इसके फर्स्ट 4 क्वेश्चंस जो है वो आप लोगों ने अच्छे से कर लेने हैं, इनकी प्रैक्टिस करेंगे, फिर ही आपको एंगल्स की समझ आएगी. तो नेक्स्ट इंशाल्लाह इसी एक्सरसाइज को हम कंटिन्यू करेंगे, इसके बाकी क्वेश्चन हम कल करेंगे. ये आप लोगों ने आज के इसको प्रैक्टिस करनी है, ये आपने कर लेने हैं अच्छे से. दैट्स ऑल.